राम राम। कभी एक चीज़ नोटिस करी है कि बिहार से जितने भी कैंडिडेट आते हैं या फिर बिहार से जितने भी एस्पिरेंट आते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, IAS हो, PCS हो, UP और SSC हो, कुछ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं, वो तब तक घर नहीं जाते हैं जब तक उनको जॉब मिल नहीं जाती है, वो तब तक नहीं जाते हैं। या फिर अगर कोई भी बिहारी है और वो किसी भी फील्ड में उतरा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी तरीके का बिजनेस हो, चाहे वो किसी तरीके का भी एक्टिंग का फील्ड हो, ठीक है, और ये हर एक चीज़ में वर्ल्ड क्लास है, हर एक चीज़ में। बस दिक्कत ये होती है कि इनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बिहार इतना विकास हो नहीं पाया बिहार का, और अभी भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की सरकार चुने हो तुम लोग और जिस तरीके के लोग बैठे हैं, अब उनके बारे में फिर डिटेल में हम एक एक मंत्री के बारे में डिटेल बताएंगे कि इन्होंने किया क्या है आखिरकार और कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान आया है, और UPSC खासकर बिहार से ही निकल के आता है। जितने भी तुम IAS PCS देखोगे, जितने भी IPS देखोगे, वो अधिकतर देखोगे तुम बिहार के। उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात ये होती है, एक बात नोटिस करना कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से IAS IPS इतने बन के क्यों नहीं आते हैं? कभी सोचा है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का इतना चलन है नहीं, या फिर और भी सिटीज़ हैं जहाँ पर इतना चलन है नहीं सरकारी नौकरी का? क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसी सिटीज़ जो स्टेट होते हैं, इनमें ऑलरेडी आदमी पास इतना पैसा है कि वो बिजनेस ग्रो कर सकता है, या फिर वो अधिकतर वो बिजनेस में ही जाता है। भले वो एक दुकान खोलेगा, लेकिन बड़ी दुकान खोलेगा, उससे उतना कमा लेगा। दिक्कत ये होती है कि जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, इसको एक लोग गलत तरीके से ले लिए थे पिछली वीडियो में, गलत मत लेना, जिनके पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं है वो सरकारी नौकरी की तरफ ही जाएंगे। अपने खुद के मन से अगर कोई सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है तो वो ज़्यादातर UPSC के लिए जाएगा, ठीक है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में क्या होता है, बिहार में आदमी की मजबूरी है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, और अगर सरकार के पास जाते हैं तो इतनी कुछ स्कीम है नहीं वहाँ पर, तो एकमात्र ऑप्शन अपने पास क्या बचता है, सरकारी नौकरी, क्योंकि यही एक नौकरी है जो तुम्हारा लेवल उठा देगी। और जब इस नौकरी में उतरते हो तो उसके बाद हमें यह भी पता रहता है कि अगर हम इस नौकरी में उतरे तो हमारे पास बैकअप प्लान कुछ नहीं है, हमें या तो नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होना है। तो जितने लोग भी बिहार से आते हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक ये चीज बहुत जरूरी है कि आप लोग जब भी तैयारी करने उतरो तो इस तैयारी से उतरो कि ये नौकरी लेनी ही है। अगर सिर्फ बिहार के लोग वैसे करते नहीं, फिर भी हम एडवाइस उनको दे रहे हैं जो हैं एक दो, कि अगर तुम आए हो बिहार छोड़ के, क्योंकि यार बिहार में इतना बिजनेस है नहीं, बिहार में इतनी इंडस्ट्रीज है नहीं जहाँ पे तुम बिजनेस कर सको, या प्राइवेट सेक्टर इतने ग्रो नहीं है जहाँ पे बेहतरीन जॉब मिल सके। इसलिए जब भी किसी भी नौकरी में उतरते हो तो उसकी तैयारी करते हो तो इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ उतरा करो कि वो जॉब लेनी ही एनी हाउ, कैसे भी करके वो नौकरी तुम्हें लेनी ही लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।